हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश मैं जम्मू कश्मीर उधमपुर से जामा तरी हूँ पॉड गार्डनिंग में। आज आपका फिर से वेलकम करता हूँ। आज मैं आपको एक हिबिस्कस प्लांट के बारे में बताऊंगा, हिबिस्कस प्लांट की इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि हिबिस्कस प्लांट लगता कैसे है, कैसे सॉइल की जरूरत होती है इसको, और जब इस पे बग्स लग जाए पेस्टिसाइड कौन सा स्प्रे करना चाहिए, देखिए फ्रेंड्स से मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, इसको हम गुड़हल भी कहते हैं, गुड़हल का प्लांट भी कहते हैं इसको हम। तो आप देख सकते हो ये खूब अच्छी तरह से फैल रहा है, इसको इतनी अच्छी इतने सारी फ्लावरिंग हुई है। देखिए जड़ जड़ के इसके फ्लावर्स नीचे गिर गए हैं, कितने सारे इसको फ्लावर्स लगे हुए थे और अभी भी इसको डेढ़ सारे इसको फ्लावर लगे हैं। और ये करीब चार से पाँच फीट लंबा हो गया और ये मैंने एक छोटे से पॉट में लगाया है। ये पॉट करीब 15 इंच का होगा, 12 से 15 इंच का ये पॉट होगा और इससे मैं लगाया। और ये देखिए कितना बुशी, कितना ये देखिए यहाँ से भी इसको नीचे टहनी है, इसको निकलनी है यहाँ से भी, ये देखिए ये इसको ये भी आगे टहनी के रूप में आ जाएगी, टहनी बन जाएगी, जैसे ये लंबी सी टहनी हो गई वैसे ये सारी। और ये इतना अच्छी तरह से फैल रहा है, देखिए कितना सुंदर, कितने सारे फ्लावर्स लगे हैं, एक ये दो, देखिए इसका फ्लावर ये कल वाला होगा ना तो ये चढ़ गया, दो के उसके बाद ये तीन ये चार पांच ये छह, इसको इतने सारे देखिए ये भी कल वाला होगा, ये भी चढ़ गया, तो इसको इतने सारे फ्लावर्स लगे हैं, इतने सारे फ्लावर्स लगे हैं इसको कहने के बाद। और ये इतना खूब अच्छी तरह से मेरे गमले फैल रहा है, खूब अच्छी तरह से मेरे गमले फैल रहा है। तो ये मेरा, ये मैंने पिछले साल एज अ कटिंग लगाई थी, इसके मैंने कटिंग लगाई थी और ये पिछले साल भी इससे मेरे को फ्लावर दिए पर थोड़े कम दिए थे, और इस साल तो इसको इतने ढेर सारे फ्लावर लगे हैं, ढेर सारे इसको फ्लावर लगे हैं, मुझे को ये देखने में इतना खूबसूरत लगता है, इतना खूबसूरत है। और मंदिर में रोज मैं इसके एक या दो फूल चढ़ाता हूँ, मेरे घर वाले मंदिर में एक या दो फूल रोज चढ़ाते हैं और इसको इतने ढेर सारे फूल। ये हाँ, ये अगर लगाने की बात करूँ तो एज अ कटिंग ही लगता है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा उससे मैं आपको कटिंग इसकी लगाना सिखाऊंगा कैसे लगती है, यहाँ से कट करके और इसकी कटिंग कैसे लगती है वो मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो बनाकर। तो देख सकते हो ये मेरा कितना अच्छी तरह से फैल रहा है। तो इसको अगर आप पानी की बात कहें तो इसको बैलेंस्ड पानी चाहिए होता है, बैलेंस्ड पानी मतलब कि इसकी सॉइल ना ज़्यादा ड्राई होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गिली गिली होनी चाहिए, इसको बैलेंस पानी चाहिए होता है। जब आपको लगे कि इसकी सरफेस जो एरिया है वो ड्राई हो चुका है फिर इसको पानी दे दीजिए, ऐसे इसको पानी देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे इसको पानी दोगे तो ये अपने लीव्स पूरे चढ़ा देगा, ये ऐसे येलोश हो जाएंगे इसके पत्ते और इसके जो बर्ड्स हैं वो भी नीचे गिर जाएंगे, वो भी इसके बर्ड्स भी नीचे गिर जाएंगे, तो तभी इसको बैलेंस पानी चाहिए। और इसको जो बग्स है वो बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, जो बग्स होते हैं इसको बड़ी जल्दी लग जाते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है पेस्टिसाइड स्प्रे वाली, वो आप पेस्टिसाइड स्प्रे इसको दे सकते हो, पेस्टिसाइड दे सकते हो, घर की ही नेचुरल चीज़ों से वो बनी हुई है, तो वो आप मेरी वीडियो देखिए, वो स्प्रे आप इसको दे दीजिए तो बग्स सारे चले जाएंगे, बग्स सारे हट जाएंगे इसके, तो ये खूब फ्लावरिंग करेगा, खूब अच्छा लगेगा। तो इसको धूप की बात कहें तो इसको फुल्ली सनरेज में रखिए, फुल्ली सनरेज में ये होना चाहिए तभी ये खूब अच्छी तरह से फैलेगा, फुल्ली सनरेज इसको चाहिए होती है।
तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी तो मैंने इसको वाटरिंग देना बंद कर दी है, मैंने सारे प्लांट्स को अपनी वाटरिंग देना बंद कर दी है, क्योंकि हमारे यहाँ भी कितना क्लाउडी मौसम है और बारिशें होती ही जा रही है, इस कारण मैंने इसको वाटर देना बंद कर दिया है। तो ये खूब अच्छी तरह से फैल रहा है, देखिए खूब अच्छी तरह से कितना बड़ा हो गया है। तो इसको छोटे छोटे से बर्ड्स, ये भी फ्लावर के में बन जाएंगे छोटे छोटे, इसको डेढ़ सारे, इसको करीब 1.5-2 महीने हो गए इसको फ्लावरिंग लगती है, इसने कम से कम 100 से 150 फ्लावर मेरे को दे दिए हैं गुड़हल के, 100 से 150 फ्लावर। तो अभी भी इसको खूब अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही है, देखिए कितने खूबसूरत है। तो सॉइल इसकी वैसे ही आप बनाइए, हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ सॉइल बनाने का तरीका। 20% इसमें आप चाहती खाद ले लीजिए, 50% इसमें नॉर्मल गार्डन की मिट्टी ले लीजिए, और 20% इसमें डिकम्पोस्ट हुआ गोबर का खाद, और 10% इसमें फ्रूट्स के पील्स ले लीजिए, तो वो ही इसको आप दे दीजिए। और ये खूब अच्छी तरह से फैल जाएगी, एक और मैंने गुड़हल का प्लांट लगाया है, ये रेड कलर का है, एक मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें, मैंने पिंक कलर का गुड़हल का प्लांट, हिबिस्कस रोज़ा का प्लांट लगाया है, वो बहुत अच्छी तरह से फैल रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए कितने अच्छे से। इस वीडियो के साथ मैं आकाश, मैं जम्मू कश्मीर उधमपुर से जय माता दी हूँ पॉट गार्डनिंग में, अगली बार एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए फ्लावर्स के साथ, नए प्लांट्स के साथ हाजिर रहूँगा। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप भी नए नए प्लांट्स, नए नए फ्लावर्स के प्लांट्स लगा रहे होंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि मेरे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे और आप भी अपने प्लांट के साथ वैसे ही करें, क्योंकि जो मैंने अपने प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट किया होता है और वो अगर ठीक हो जाए तो वो ही मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो देखिए इसी के साथ मैं आकाश मेहरा अगली बार एक नई वीडियो के साथ हाजिर रहूंगा, थैंक यू सो मच।